नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो मैथमेटिक्स में मैंने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअली बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल 22 सब टॉपिक्स हैं। तो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, आपको उनमें से 8-9 ही पढ़ने हैं। सो आई विल टेल यू, आपको फर्स्ट पढ़ना है। जो कोई कंटेंट्स दिखा रहे हैं जो इनमें आपको फर्स्ट पढ़ना था, सेकंड फैमिली ऑफ कर्व्स आपको नहीं पढ़ना है, थर्ड जो है आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको पढ़ना है, जनरल सॉल्यूशंस उसके पढ़ने हैं, फोर्थ जो है आपका जो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फैक्टर वाला है ये आपको, मतलब कि वर्स्ट केस में इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं, बाकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हो अपना, लेकिन सवाल आने के चांस काफ़ी कम है। ठीक है, तो फोर्थ को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये वाली कंडीशन है इस पर। बाकी उसके बाद बात करते हैं आगे अपन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 5 का जो है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके तीनों जो टॉपिक दे रखे हैं इसके ये पढ़ने हैं आपको। ठीक है, फिफ्थ आपको पढ़ना है। सो अभी आगे बात करेंगे आपको कि छठा जो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना है, सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको आगे बात करते हैं। सातवां जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजिटरी, आठवां जो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सातवां आपको नहीं पढ़ना है, आठवां आपको पढ़ना है। ओके, एट्थ यू हैव टू स्टडी। उसके बाद आता है नाइन्थ आपका है एफ एक्स इजक्वल्स टू ई ए की पावर एक्स, तो ये आपको नाइन्थ नहीं पढ़ना है, आपको टेंथ भी नहीं पढ़ना है, इलेवेंथ टाइप के जो आपके इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, ट्वेल्थ टाइप जो है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें पूरा IES लेवल का पूरा सिलेबस है, लेकिन गेट और ATC के अंदर इतना नहीं आता है। 13 नहीं पढ़ना, 14 नहीं पढ़ना, 15th भी नहीं पढ़ना आपको, 16th जो है मेथड ऑफ वेरिएबल पैरामीटर्स ये भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, 17th जो है वो भी नहीं पढ़ना है, 18th जो है आपको ये भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, 19th जो है आपको पढ़ना है लॉ ऑफ ग्रोथ, लॉ ऑफ डीके, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। 20 जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, 21 जो है आपका ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, इससे इस तरह के सवाल आते हैं, अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। 22 जो है ये आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से भी सवाल पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, नहीं आएंगे इसमें से सवाल, तो आपको नहीं पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया है बेसिकली, आपको फर्स्ट पढ़ना है, आपको फोर्थ पढ़ना है, करेक्शन, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, 19th, 20 एंड 21 आपको पढ़ने हैं। आपको जो फोर्थ है जो इसका मैंने टॉपिक बताया है वो आपको, मतलब कि वर्स्ट केस में पूछने के चांसेस है, तो उसको आप पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए अच्छे से तैयारी करें, टू द पॉइंट तैयारी करें, वही आदमी सफल होता है जो अच्छे से पढ़ता है।